नमस्कार, मैं हूँ दीननाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। मैं आपको बताने में हर्ष करता हूँ कि आज बिजेंद्र यादव बने नए डिप्टी चेयरमैन अस्थाई समिति भारतीय जनता पार्टी MCD विभाग के, जहाँ हमारे जुआ पत्रकारिता जगत के सरताज कहे जाने वाले राज कुंद्रा ने ली खुल के उनकी रिपोर्ट, और जहां राज कुंद्रा से उनकी बात हो रही थी वहां कहीं ना कहीं बिजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि अब जीना या मरना भारतीय जनता पार्टी के ही साथ होगी। तो देखिए हमारे राज कुंद्रा की रिपोर्ट, जो जुआ चेहरा पत्रकारिता जगत का नया चेहरा, और किन किन विषयों पर लेता है आज बिजेंद्र यादव नए डिप्टी चेयरमैन अस्थाई समिति MCD भारतीय जनता पार्टी से क्या कुछ कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उनके लोग भी लगा रहे थे नारा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ कहते हैं वो, और राज कुंद्रा के साथ वो क्या बात करते हैं। राज कुंद्रा देंगे उनकी पूरी रिपोर्ट। इसमें देखिए हर सवालों के जवाब के घेरे में फंसाते गए राज कुंद्रा, और कहीं ना कहीं बिजेंद्र यादव उनके सवालों से बचते नजर आए, पर भी क्या कुछ कहते हैं बिजेंद्र यादव। बहुत बहुत स्वागत है बिजेंद्र यादव जी हमारे चैनल में आपका। पहले डिप्टी चेयरमैन, अब डिप्टी अस्थाई चेयरमैन, कैसा लग रहा है सर? आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के एक के बाद एक कामयाबी आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व का और भाजपा पार्टी का। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बड़ा अजीब सा पूछा है, लेकिन जब परिवार में कोई सदस्य नया आता है तो वो भी परिवार का ही हिस्सा होता है। मेरे दामन से जो आम आदमी पार्टी का टैग था वो मैंने पहले ही धो दिया था, और जहाँ मैं रहा मैंने अपना बेहतर से बेहतर कार्य करने का पार्टी को दिया, और पार्टी भाजपा की जो नीतियाँ हैं उनमें मेरा अटूट विश्वास है। अब मेरा जीना मरना भाजपा में ही रहेगा, और मैं समझता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, संगठन ने, मैं उसमें अपनी पूरी आस्था से कार्य करूँगा। और मुझे लगता है कि जो लोग कार्य करते हैं उनकी भगवान भी सुनवाई करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और मैंने भी अपना तन मन धन जो भी बेस्ट से बेस्ट मुझसे बन पा रहा है मैं कार्य कर रहा हूँ, और अपनी पार्टी के लिए जो अच्छा कार्य होगा वो सब मैं जरूर करूँगा। यादव जी, जगह बदल गया, पद बदल गई, अब क्या लगता है जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ने वाली है, क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन से काम रुके हुए हैं जो उत्तरी नगर निगम के अंदर, जो आप आने के बाद आप उसको क्लियर करेंगे, और भलसुआ गांव के जो कूड़े के ढेर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब ढह जाएगा और कब वहां पे कुछ नया बन पाएगा? देखिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो भलसुआ लैंड फिल जो कूड़े का कलंक था वो कूड़े का पहाड़ था। वहाँ से कई प्रदेशों से, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, वहाँ से जब बाईपास पर लोग आते थे तो वो सोचकर देखकर हैरान रहते थे कि ये गंदगी का पहाड़ है या कोई घास का पहाड़ है। मैंने समय समय पर सदन में भी इस बात को मजबूती से उठाया है, और सदन के अंदर मैंने भलसुआ लैंडफिल पर जो कार्य किया है प्रधानमंत्री जी से लेकर और बड़े बड़े अधिकारियों तक, पार्टियों के शीर्ष नेताओं को लेटर लिखे हैं जिनकी कापियां मेरे पास हैं, मैंने उस पर कार्य किया है, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है कि वो लैंडफिल एक ऐसा रूप ले चुकी थी कि जिस दिन अगर वो गिरती तो उस समय आसपास में रहने वाले कई हजार लोग, लगभग लाखों लोगों की अगर संख्या कही जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, उसके आसपास जो कॉलोनियाँ हैं उसमें वो कूड़े का पहाड़ जब फिसलता तो एक घटना पहले भी घटी थी, उसका दूसरा रूप वहाँ पर हो सकता था, लेकिन आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो कार्य करने की शैली है उसके अंदर भलसुआ लैंडफिल 15 मीटर की ऊंचाई
कम हो चुकी है, वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं जो कूड़े के ढेर को अलग अलग कर देती हैं, कंकड़ को अलग निकाल देंगी, प्लास्टिक को अलग निकाल देंगी, पत्थर को अलग निकाल देंगी, प्लास्टिक को अलग कर देंगी, तो उनसे भलसवा लैंडफिल साइट पर जो कार्य हो रहा है वो एक ऐतिहासिक कार्य है। उसके आसपास में जो रहने वाले गांव हैं उनकी आयु भी लगभग कई साल नीचे जा रही थी। जो पानी नीचे ज़मीन से पीने के लिए निकलता था उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, वो पीने योग्य पानी नहीं था, बीमारियां वहां पर भस्मासुर की तरह से मुंह फाड़ के बैठी हुई हैं, और बीमारियों के कारण वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिनको कैंसर पीड़ित रहे या अल्सर की बीमारी रही, बहुत सारी बीमारियां वहां पर फैल चुकी थी। लेकिन आज वहां पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 15 मीटर की ऊंचाई घटाकर ये दिखा दिया है कि ये कार्य अगर निगम करना कर रहा है तो उसका श्रेय भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ही मिलता है। यादव जी, जैसे को पता है कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली की जनता परेशान है, क्योंकि कोरोना की संख्या बढ़ रही है लेकिन कोरोना को ख़त्म करने का कोई उपाय वो नहीं बता रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी झूठों की सरकार है और अरविंद केजरीवाल उसका सरदार है। अरविंद केजरीवाल जी मुझे ये बताएं, उन्होंने जो कोरोना के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं, या उनके 62 विधायक जीतकर आए थे उसमें उन लोगों ने कितने आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं या कितने हॉस्पिटलाइज कोरोना के पीड़ित, जब उन्होंने 500 बेड हैं और 5000 बता रहे हैं तो वो कहाँ से इतना सब कुछ झूठ बोलते हैं कि उनका कोई लिमिट नहीं है। केजरीवाल जी के उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि जी 550,000 लोग पीड़ित हो जाएंगे कोरोना से, 3 महीने के अंदर कितनी बुरी दुर्दशा थी दिल्ली की। अगर आज दिल्ली कुछ हालात सुधार में हैं कोरोना पीड़ितों के, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय माननीय हमारे अमित शाह जी, जिन्होंने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया और उन्होंने जितने ज़्यादा टेस्टिंग थी वो टेस्टिंग शुरू की, आइसोलेशन सेंटर खुलवाए, उन्होंने एक बड़े लेवल पे जाके कार्य किए, तब जाकर हालात सुधार में आए। यादव जी, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है दिल्ली की जनता की आपसे और उत्तरी नगर निगम की जनता का, आपको क्या शायद संदेश रहेगा आज आप ये पदभार संभाले, किस तरह से जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं भी सुलझाई जा चुकी हैं, लेकिन जो निवासियों को स्वच्छ रहने की जगह, सुंदर पार्क, शुद्ध पीने का पानी, खुली व जाम मुक्त रोड, अगर विश्व स्तरीय सुविधाएं स्वास्थ्य वाली मिलेंगी और प्रदूषण हटेगा, तब जाकर दिल्ली स्वस्थ बनेगी। उसमें हमें केजरीवाल जी का साथ चाहिए, क्योंकि निगमें एक कार्य को कर तो सकती हैं लेकिन जब तक उनको कोई विशेष पैकेज ना मिले तो उसमें वो थोड़ा सा कमी रह जाती है।